यहाँ आगे जो सबसे मेन हेडलैम्प आपको मिलता है, इसके अंदर हाइलोजन बल्ब लगा हुआ है जिसका उजाला बहुत बढ़िया है। लेकिन एक गुजारिश है मेरी कि यहाँ पे अगर LED लाइट आ जाती ना तो और मज़ा आ जाता। ऊपर आपको बोल्ड डिज़ाइन में पूरा क्रोम की फिनिश मिलती है और ऊपर आपको एक ठो ब्लैक कलर की विंडशील्ड भी मिल जाती है। और यहाँ पर साइड में जो साइड इंडिकेटर हैं ये भी आपको बहुत प्यारे डिज़ाइन में मिलते हैं। इनमें भी 10 वॉट के अंबर बल्ब लगे हुए हैं। और उसके बाद है मेन इसका सस्पेंशन आगे वाला, जो कि आपको मिलता है टेलीस्कोपिक फॉर्क। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि आज हम किस बाइक का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि है होंडा की होंडा साइन 125, मोस्ट सेलिंग बाइक, मतलब 125 सीसी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक। तो फटाफट इसको शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो कलर आप देख रहे हैं इसका नाम पहले जानिए, इसका कोई भी ऊट पटाख नाम नहीं है, एक सिंपल सा नाम है ब्लैक कलर। अगर आपको लेना है यही सेम कलर तो आप जाइए शोरूम पे और उनसे बोलिए कि हमको साइन 125 ब्लैक कलर वाली चाहिए। 125 सीसी की बहुत पावरफुल ये बाइक है। आज फटाफट इसके बारे में सारी चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले इनका प्राइस मैं आपको शुरुआत में ही बता दूँ, गौर से सुनिएगा। इसके 2 वेरियंट आते हैं, एक ड्रम और एक डिस्क के साथ। अभी आप जो है ड्रम वेरियंट देख रहे हैं, मतलब आगे आपको डिस्क नहीं मिलेगा। और अगर आप डिस्क मॉडल लेते हैं तो प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जो ड्रम मॉडल है 77,592 रुपये, 77,592 रुपीज़ एक्सोरूम प्राइस चल रही है। और जो डिस्क मॉडल है उसकी 81,592 रुपये, यानी 81,592 रुपीज़। ऑन रोड कितने में मिलेगी बस मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। यहाँ पे आगे आप देखिए CBS के लिए 2 ब्रेक वायर आपको दिख रहे होंगे, और CBS का मतलब कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, पिछला ब्रेक लगाएंगे तो अगला ब्रेक साथ में लगेगा। 130 mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है, डिस्क लेंगे तो वहाँ पे 240 mm का डिस्क हो जाएगा। टायर जो इसमें लगे हैं आगे और पीछे, दोनों ही टायर की साइज़ एकदम सेम है, 80/100 के, 80/100 के हैं, और वो 18 यानी 18 इंच के ट्यूबलेस टायर हैं। फ्यूल टैंक अभी आप इसका देख रहे हैं, अगर फ्यूल टैंक की बात करूं तो 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक लगा हुआ है। और ये है इसका मेन मीटर कंसोल, कोई अपडेट नहीं है, आपको वही पुराना मीटर कंसोल मिलेगा जिसमें फुली एनालॉग मीटर कंसोल है। एक तरफ आप फ्यूल इंडिकेटर देख पाएंगे, टर्न इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे, और लेफ्ट साइड आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा। और यही सब बस चीज़ें इसमें मिलती हैं, इंजन मॉल फंक्शन लाइट, साइड स्टैंड इंडिकेटर, ये सब चीज़ें इसमें मिलती हैं। और मेरी एक गुजारिश है कि जिस तरह से आगे LED लाइट के लिए मैं बोल रहा हूँ, वैसे ही मीटर कंसोल थोड़ा कंपनी अपडेट कर देती तो साइन के, मतलब क्या ही बोलूँ, साइन और ज़्यादा साइन करने लगती, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे आपको पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम स्विच इंटीग्रेटेड देखने को मिलेगा एक ही स्विच में। उसके नीचे आपको साइड इंडिकेटर स्विच मिलता है, और उसके जस्ट नीचे आपको हॉर्न स्विच कंपनी देती है। राइट हैंड साइड पे आपको एक सिंगल स्विच मिलता है जिससे आप ऑन ऑफ और इंजन कट, ये सारी चीज़ें, आप तीनों चीज़ें आप इसी से कर पाएंगे, ये काफ़ी सही चीज़ है। और मैंने जैसा कि बताया कि 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, तो एक बार भरवाने पे आप लंबी दूरी तय कर लेंगे। और मैं माइलेज लगे हाथ आपको बता दे रहा हूँ, उससे पहले सीट वगैरह देख लीजिए। सिंगल सीट आपको मिलती है, सिंगल मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि एक लोगों के लिए है, सिंगल मतलब बीच से कटी नहीं है, स्प्लिट नहीं है, एकदम सिंगल सीट है। पीछे आपको ब्लैक बॉडी, मतलब बॉडी कलर का जो ग्रैब रेल मिलता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रैब रेल है। सीटिंग कम्फर्ट डेली कम्यूटर कम्यूट करने के हिसाब से बहुत बढ़िया है। अगर आप जो राइडर जो चलाएंगे उनको भी अच्छा कंफर्ट मिलेगा, और जो पीछे बैठेंगे उनको भी बढ़िया कंफर्ट मिलेगा। तो देखिए जो माइलेज आपको मिलेगा ना, वो सिटी में 50 से 55 का, और हाईवे पे 55 से 60 का माइलेज आराम से मिल जाएगा, बस अच्छे से चलाइएगा। यहाँ पे देखिए जो पीछे ड्रम ब्रेक लगा है 130 mm का है। पीछे वाला टायर मैंने बता दिया है कि आगे वाले टायर की तरह एकदम सेम मिलता है। पीछे जो सस्पेंशन लगा हुआ है ना, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये हाइड्रोलिक टाइप का सस्पेंशन कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। और सस्पेंशन क्वालिटी साइन 125 की काबिले तारीफ है, मैं कोई भी शिकायत नहीं करूँगा, क्योंकि सस्पेंशन क्वालिटी को लेके शुरू से ही साइन की बहुत तारीफ होती है। किक वगैरह सारी चीज़ आपको मिलती है, तो इससे ये पता चलता है कि बहुत पावरफुल बैटरी इसमें नहीं दी जाती है, इसलिए बैटरी वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप किक का इस्तेमाल करके आराम से बाइक को ऑन कर सकते हैं। इंजन की बात मैं बता दूं, जरा देख लेते हैं कितना पावर इसके इंजन में मिलता है। तो 123.94 सीसी का इंजन लगा हुआ है, मैक्स पावर आपको मिलेगी 10.74 यानी कि 10.74 PS की 7500 RPM पे, और मैक्स टॉर्क आपको 11 न्यूटन मीटर का मिलेगा 6000 यानी कि 6000 RPM पे। CBS में बता ही चुका हूँ कि अगर आप पिछला ब्रेक लगाते हैं अगला ब्रेक साथ में काम करेगा, तो ये काफ़ी सही चीज़ है, ब्रेकिंग आपकी बहुत लाजवाब होगी। कुछ चीज़ें और जान लीजिए, जैसे कि इस बाइक की लंबाई 2046 mm है, इसकी ऊंचाई 1116 mm है, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस 162 mm है, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से परफेक्ट है। इस बाइक का जो वजन है ना, वो 114 किलोग्राम है, 114 kg इसका वेट है, और ये कर्व वेट है, मतलब अगर आप
9.5 लीटर पेट्रोल भरवा देंगे तो ये बाइक जो है 120 केजी क्रॉस कर जाएगी। सीट हाइट इसकी 791 mm है। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने भाई लोगों से कि जितने भी लोग अगर साइन लेने की सोच रहे हैं एक बार इसका टेस्ट राइड जरूर लीजिएगा। टाइटल में मैंने लिखा है कि ये जो है NZT के साथ आती है, मतलब न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें साइलेंट स्टार्ट फीचर आपको मिल जाता है और इसमें ESP मतलब ये सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो इसीलिए मैंने इसको NGT बोला है, यानी कि न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके ऑन रोड प्राइस पे आता हूँ। तो अगर आपको सेम यही मॉडल लेना है, बिना डिस्क लगी हुई बाइक लेनी है, तो आप अपना बजट रखिएगा 95,000 से 1,00,000 के बीच में, 95,000 to 1,00,000 के बीच में। और अगर आप डिस्क वाला मॉडल लेते हैं तो आप अपना बजट रखिएगा 98,000 से लेकर 1,04,000, यानी कि 98,000 to 1,04,000 के बीच में अपना बजट रखेंगे तो होंडा साइन का जो डिस्क वेरियंट है वो आपको कंप्लीट ऑन रोड मिल जाएगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे जो है पूछ लीजिएगा, या फिर हमारी इंस्टाग्राम ID पे राइट टू नो या DavidRahulGR पे फॉलो करके मैसेज करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।